ऑल राइट, सो एक ऑफिशियल ऑफिशियल मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? एक ऑफिशियल ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जो अब आपको पता ही है ऊपर ऊपर से, बट एक हमारे ऑफिशियल मुंह से सुनने का एक अलग एक भरोसा रहता है आपके, है ना? तो द थिंग इज, हाइड्रा बूट कैंप इज गोना बी इन दिल्ली, दैट इज 100%, 100% श्योर, 100% श्योर। तो जितने भी हमारे दिल्ली वाले लोग हैं, हमारी बातें और हमारी स्ट्रीम्स प्रॉपरली देखते हो अगर आप, तो आपको काफी ज्यादा चीजें, मैंने इसी स्ट्रीम पर जो अभी मैं बोल रहा हूँ दिल्ली है, इसके पहले ही मैंने एक छोटी सी चीज रिलीज लीक कर दी है। अगर आप प्रॉपरली सोचोगे सुनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अब तक कितना मिनट हुआ है स्ट्रीम को? 33 मिनट्स हुआ है। 33 मिनट्स में मैंने दो हिंट्स दे दिए, दो हिंट और एक, मतलब एक हिंट और एक अभी फाइनली बोल दिया मैंने कि दिल्ली में है। ये तो पता था बट स्टिल एक वो नहीं था ना कि नहीं अल्फा ने बोल दिया ऐसा। मुंबई वालों को धोखा दे दिया? नहीं भाई, मुंबई में मेरा बहुत ज़्यादा मन था करने का, बहुत हाथ पैर लगाए, बट वी आर वेरी वेरी लो ऑन टाइम, है ना? सो इसीलिए हमें तो लूट लिया दिल के हुस्न वालों ने, प्यारे प्यारे वालों ने। यू गाइस रेडी? आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द बूट कैम्प चैट? लेट मी नो। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द बूट कैम्प? लेट मी नो फटाफट, मोवे अपनी जान है। अबे कल गाइज तुमको मैं क्या बताऊँ, मैं 4 दिन होटल में रहा हूँ दिल्ली के अंदर। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा था, अराउंड 7 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक मैं बाहर ही घूम रहा था, मतलब खाली खाने पीने के लिए होटल में या फिर कहीं अच्छी जगह पर जा रहा था। बाकी पूरा टाइम, जैसे कि आपने देखा स्ट्रीट फूड के टाइम, पूरा दिन मैं बाहर था भाई। रात को मेरी आंखें पूरी लाल हो गई थी, पता है? दैट वॉज बिकॉज ऑफ ऑल द स्मोक एंड पॉल्यूशन जो मेरी आंखों में जा रहा था। सिर्फ इवन दो आई वॉज ट्रेवलिंग थ्रू कैब, प्रॉपर एसी, प्रॉपर सब कुछ बंद, नो पॉल्यूशन, बाहर का अंदर नहीं आ रहा, स्टिल वो वेदर मेरे को इतना प्रॉब्लम दे रहा था, सोचो आप। तो ये तो ये बात तो है भाई, जो जो क्लीन वेदर से आ रहे हैं, जैसे कि आई गेस ऋषभ, ऋषभ आई गेस बहुत ज़्यादा क्लीन वेदर से आ रहा है। कोलकाता भी तो बहुत ज़्यादा क्लीन जगह से हैं, तो उन लोगों को दिल्ली में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ऐसे मुंबई में, मुंबई में भी इतना पोल्यूशन है, स्टिल मैं, मेरा फट गया था, पूरी फट गई थी भाई मेरी, नहीं कर पा रहा था मैं। मैं क्या बताऊं, और डायनामो की तो आंखें लाल रहती ही है पहले से, तो इतना कुछ समझ भी नहीं आता। 20 days to go नहीं है पहले, ये बात तो है ही नहीं, 20 days किसी और चीज का है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई 20 days to go नहीं है, टाइम है अभी। नास, अरे मनी हाइस्ट गाइस, मनी हाइस्ट कब आ रहा है? बताओ 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 बताओ, व्लॉग आ रहा है दिल्ली का? यस 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 यस, डायनामो के साथ बहुत ज्यादा कंटेंट है, काफी मजा आने वाला है व्लॉग में, मामा वाम्बा भी है। तो मामा के साथ मैंने ऐसा कुछ व्लॉग नहीं करा सच बताऊं तो, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा था और मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना था, नॉट फॉर व्लॉग और नॉट फॉर कंटेंट, ठीक है? इसीलिए आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो गाइस, 15,000 लाइक्स की तरफ बढ़ते हुए जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं यार, आप लोग समझोगे ना यार, हिंट में और क्या बोलूं गाइस, मैंने सबसे ऑफिशियल हिंट दे दिया आप लोगों को, अब तो हिंट भी नहीं बोलते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही कर दी है दैट द बूट कैंप इज गोना बी इन दिल्ली, है ना? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था ये, और तुम लोग इसको हिंट काउंट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है? आज ही हो रहा है, कितने बजे आज रिलीज हो गया? ओ ब्रो, लो एंड में भी चलेगा? ओके ओके, देखता हूँ मैं जरा स्ट्रीम स्ट्रीम क्या, मैं जरा देखता हूँ कि वो लो एंड में चलेगा कि नहीं, बट मैंने सुना है ऐसा, ठीक है? अभी तक मैंने खेला नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस करा है, ना ही कुछ देखा है, बट मैंने सुना है, क्योंकि अभी जब मैं दिल्ली गया था तब विलेजर ई स्पोर्ट्स, अगर आप लोग को मालूम हो, जैसे कि किन किन को मालूम है विलेजर ई स्पोर्ट्स के बारे में, है ना? तो वो जो टूर्नामेंट T1 स्क्रीम्स होस्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होस्ट करते हैं, मैं उनके बूट कैंप में गया था। धिया कुल भाई, कुलदीप भाई ने, उनका इनॉग्रेशन था, तो
वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर बातचीतें करी, कितनी ज़्यादा लाइक माइंडेड पर्सन से बात करी, एवरीवन रियली रियली आई रियली एंजॉय टॉकिंग विथ एवरीवन। कुलदीप भाई थे, अनुराग भैया थे, हमारे मैनेजर्स थे सभी वहाँ पर, गुरदीप भैया करके थे सब, मतलब इट वॉज सो 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 गुड। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इन सबसे पहली बार मिल रहा हूँ। बहुत पता है, मैं तुमको बताऊँ ना, मैं पहले वहाँ पर नहीं जाने वाला था बिकॉज मैं थक गया था पूरा दिन, बट स्टिल मैंने बोला कि नहीं यार, नए लोग हैं, वो लोग भी मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं वाई नॉट टेक इट एज एक्सपीरियंस एंड वाई नॉट गो एंड टॉक। तो भाई लिटरली बहुत मज़ा आया।